वाली हूँ ब्लॉग और आज हम आ गए बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस पे जो आप देख सकते हो। तभी हम आपको दिखा दें कि हम कहाँ कहाँ गए घूमने और क्या क्या किया हमने इस प्रॉपर्टी में। तो स्टे ट्यून, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलो मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हमें भी टाइम मिल गया अपने समर वेकेशन को थोड़ा सा एंजॉय करने का और हम लोग निकल गए हैं एक अमेजिंग सी प्लेस पे जो आपके आगे आके पता चलेगी। तो बहुत टाइम बाद हम एक्चुअली ऐसे फैमिली वेकेशन पे निकले थे, तो मे बी वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड और फुल टेंशन में था वो और खूब मजा आ रहा था उसे। पूरे रास्ते हमें व्यू बहुत अमेजिंग मिला, वेदर भी जयपुर साइड में तो अच्छा ही चल रहा था क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, फिर हवा चल रही थी, कभी धूप भी आ रही थी, तो वेदर वॉज गुड प्लस व्यू बहुत अमेजिंग था। और ये हमारा शॉर्ट एंड स्वीट सा ट्रिप था, तो हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए थे, हम सिर्फ 2 डेज के लिए गए थे। सो आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। तो फाइनली पहाड़ जंगल सब क्रॉस करने के बाद हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने ही वाले थे और हम लोग सुपर एक्साइटेड थे कि हम क्या क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। मेहमान सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और खूब इंजॉय करने वाले थे। ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद फाइनली हम होटल पहुंच गए थे और थोड़ा सा थक भी गए थे लेकिन एक्साइटेड थे घूमने के लिए और मस्ती करने के लिए। सो लेट्स गो इन। प्रॉपर्टी वॉज रियली वेरी 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 ब्यूटिफुल। सो सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद फाइनली हम रूम की तरफ जा रहे हैं। Just taken and this is our room. Yeah. Then this is me. And you gonna hi Mibu. Okay. So let's see. This time we got twin beds. Excuse me. Papa. Hato bhai. There is absolutely no chance. Papa. Hato na. Papa. So guys, hum kaun se location pe hain? Please comment karke batana. Like, comment, share. This is our view, which is so good. Guys, we got this complimentary, बहुत ही yummy, tasty cookies. मेवांस को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो आते मानी शुरू हो गए खाना. So हमारे पास है walnut. ऐसे दो दो है, I don't know दूसरी कौन सी है. So how's it, Mivu? Yummy. With a view, he's eating his cookies. बाय बाय। तो ये है लॉबी और अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने प्रॉपर्टी को। सो घूमते घूमते हमें दिख गया ये किड जोन और बस फिर क्या था, मेवांस तो किड जोन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, फिर उन्हें तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया और फिर वो सारे झूले झूलने लगे और अपना किड जोन में एंजॉय करने लगे। फाइनली बड़ी मुश्किल से मेवांस को मना के मैंने वहां से तो निकाला इन्हें। सो गाइस ये है आउटसाइड एरिया, हिल्स है वो हिल्स, या इट्स ब्यूटीफुल। एंड व्हाट इज दिस, लेट्स सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं है यहाँ पे।
कुछ नहीं, कम कम कम, या कुछ नहीं। सो गाइस अब हम बाहर की साइड आ गए एंड व्हाट अ व्यू, ब्यूटीफुल। कम कम कम, उधर भी। सो आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा हिल्स एंड ऑल। अब हम और आगे जाते हैं यहाँ से, तो इनका पार्किंग एरिया आई थिंक गार्डन एंड ऑल में जाने के लिए। लुक एट द व्यू गाइस, सो ब्यूटीफुल। नहीं इधर से गार्डन चलेंगे बाहर से, एंड यहाँ से वाओ। एंड माय लिटिल ब्लॉगर, कहाँ जा रहे हैं आप? सो गाइस हम प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप देखो व्यू, देखो सो ब्यूटीफुल। और मेवांश मेरी एक भी फोटो नहीं खींच रहा है, सो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में बोलो मेरी फोटो खींचे। मेरी फोटो कौन खींचेगा फिर? अपनी फोटोज खिंचवा रहा है, बहुत सारी फोटोज क्लिक करा रही खुद की, और मेरी नहीं कर रहा। सो गाइस हम इनके गार्डन में आ गए हैं, और बहुत मस्त हवा चल रही है एंड बादल भी है, व्यू बहुत अच्छा है। मेवांश कह रहे मेरे साथ चलो, इन्हें डर लग रहा है। और इस गार्डन में बस हम ही हैं, नहीं और भी लोग हमारे पीछे पीछे आ गए हमें फॉलो करते हुए। सो गाइस आपको कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब करो, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली समर वेकेशन में हम कहीं तो बाहर आ गए। एंड कहाँ जा रहे हो मेबू? तो यहाँ हम बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। वो देखो वहाँ पे क्या है, एंड अब तो बस व्यू। ये देखो, कम यहाँ निवा, इनकी अलग मीटिंग वेटिंग कुछ चल रही है। लो मेवांश ने इनकी मीटिंग डिस्टर्ब कर दी, सबको उड़ा दिया। कितना अच्छा था यार, फोटो क्लिक करते इनके साथ। माय बेबी इज वेरी नॉटी। ओके सब हम थोड़ा वीडियोस और फोटोज क्लिक कराते हैं। मेवांश को मनाती हूँ मैं कि वो मेरे लिए भी कुछ क्लिक कर दे। मेवू ओ गॉड, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है इन पे, उस साइड ही रहता है। गार्डन में भाग भाग के हमें लग गई भूख, और हम आगे रेस्टोरेंट में कुछ अपनी पेट पूजा करने के लिए। तो आज के एक्टिविटी में मास्टर शेफ करके कुछ एक्टिविटी थी, जिसमें कपकेक्स डेकोरेशन करना सिखा रहे थे। तो इनिशियली मेवांश को बड़ी शर्म आ रही थी, बट लेटर ऑन उसको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया। एंड देन ही वेंट ऑन कि एक नहीं दो पता नहीं कितने सारे कपकेक्स बना रहा था वो, एंड ही वाज रियली एंजॉयिंग द प्रोसेस। So guys, this is by Mevanj. मजा आया? So
सो दिस इज द जिम एरिया गाइज, और अब हम जा रहे हैं पूल साइड। वो मैन देखो, गिर मत जाना तो। ओह माय गॉड, हम बहुत ऊपर है। गाइज हम और ऊपर जा रहे हैं और वहां से हम आपको दिखाएंगे व्यू। यहाँ पे सेटअप होता है आई थिंक फॉर कैंडल लाइट डिनर्स एंड ऑल। वाओ, ये अभी रात के लिए है ना पूरा। ओ वाओ, वो फ्लाईओवर ये कैसा बना है। अच्छा जी, ऊपर छत से इतना अमेजिंग व्यू दिख रहा था ना, बहुत ही सुंदर सब कुछ लग रहा था। और ऐसा लग रहा था बस यहीं पे बैठे रहो, व्यू देखते रहो। तो हम लोग काफी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर हम गए थे नीचे। इवनिंग के लिए सेटअप हो रखा था, पपेट शो था एंड फोक डांस। गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मीवू, इधर देखो। गुड मॉर्निंग, मैं वंश को और सोना था लेकिन हमने उठा दिया फॉर ब्रेकफास्ट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और नीचे कुछ बाइक समथिंग कुछ हो रहा है तो वो भी देख कर आएंगे। वहां पे आप देख सकते हो सब बाइक्स एंड ऑल, लेकिन कुछ तो बाइक राइड है, रेस है, पता नहीं क्या है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके यस, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो बेबी। मेवांच नौटंकी, मेवांच सुबह सुबह भी इसका नौटंकी चालू है। नाइन, यहाँ से दिखता है, यहाँ से और अच्छे से दिख रही है बाइक्स। तो फिर हम सब आ गए थे ब्रेकफास्ट करने, और इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं ना तो इंसान सच में कंफ्यूज हो जाता है। आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है, कौन सी डिश है जो आपको सुबह सुबह खाना बहुत पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ जब मुझे ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, बट इट वॉज यम और बहुत मजा आया। फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम निकल गए थे अपने घर की ओर, और बाय बाय करते हुए प्रॉपर्टी को।
लौटते समय हम आ रहे थे आमेर की साइड से, तो ये पूरी वॉल जो आपको पहाड़ पे दिख रही है ये आमेर फोर्ट को कवर की गई थी उस जमाने में, और फिर यहाँ पे सोल्जर्स रहते होंगे जिससे वो नजर रखते होंगे कि कोई दुश्मन ना आ जाए। वो देख के इतनी अमेजिंग, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, आज भी ये वैसे ही है और बहुत ही सुंदर लग रही थी। सो फाइनली आप देख सकते हैं ये पूरा आमेर फोर्ट है विद अमेजिंग सा व्यू आ रहा है, ऊपर बादल दिख रहे हैं, फोर्ट दिख रहा है, रात में लाइट जलती थी पहले, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा हम यहाँ पे लाइट्स वाला शो देखने आए थे जो अब बंद हो गया, बट ये बहुत सुंदर लगता है दिन में भी और रात में भी। अब हम जा रहे हैं कि और पहाड़ों के बीच में से होते हुए, आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर। ये था आज का हमारा ब्लॉग, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।